दतिया में मां पीताम्बरा माई के प्राकट्य उत्सव एवं दतिया गौरव दिवस के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है। इसी के तहत शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित नंबर 1 स्कूल परिसर में हमारी विरासत धरोहर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपने घरों में रखी प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शन किया। इनमें सबसे रोचक शहर के रहने वाले राधा वल्लभ मिश्रा का वास्तविक फोटो था, जिसमें विश्व प्रख्यात गामा पहलवान और उसके भाई इमाम बख्श अन्य लोगों के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा लोग अपने पुराने वाद्य यंत्र और दूसरी चीजें भी धरोहर द्वार में प्रदर्शनी के लिए लाए। यहाँ प्रदर्शनी के अवलोकन के लिए पहुंचे कलेक्टर संजय कुमार ने प्राचीन धरोहरों की जमकर तारीफ की। उनका मानना है कि अभी लोग इस तरह के आयोजन में पहली बार कम संख्या में अपने पुराने चित्र वाद्य यंत्र या सिक्के को प्रदर्शित किए हैं, जबकि उन्हें उम्मीद है कि आगे इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर बढ़ाया जाएगा तो कुछ और भी चौंकाने वाली और विस्मय बोधक चीजें प्रदर्शनी में आ सकती हैं। गौरतलब है कि दतिया में विभिन्न सांस्कृतिक साहित्यिक एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कवि सम्मेलन और पुराने गीत भी शामिल हैं। यह सब माँ पीताम्बरा माई के प्राकट उत्सव के संदर्भ में किया जा रहा है। यह पूरा महीना दतिया में उत्सव का महीना माना जा रहा है। यह गौरव दिवस की जो श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रमों की, इसका समापन होगा 24 अप्रैल को, जो माँ पीताम्बरा प्रकट उत्सव है इसका। लेकिन पिछले 20 दिनों से कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज ये पूरा प्रदर्शनी अर्थात दतिया में तमाम लोगों के घरों में सहेजे हुए पुराने सामग्री, 300 साल 400 साल 500 साल पुरानी चीज़ें आप देखेंगे, बड़े ही इसी तरह से पांडुलिपियाँ, उस समय के लोक जीवन में यूज़ की चीज़ें। अभी मेरे हाथ में अभी ये मिश्रा जी हैं मेरे साथ, और कमलाधर मिश्रा जी और राधा वल्लभ मिश्रा जी बहुत सारे चीज़ें लाए हैं। वो अभी मेरे को दिखा रहे थे कि एक एक्चुअल फोटोग्राफ, जिसमें गामा पहलवान, विश्व विख्यात गामा पहलवान एक्चुअल फोटोग्राफ है उनका, और उनके ब्रदर खुदा बख्श इमाम बख्श, तो एक्चुअल मतलब गामा पहलवान विश्व विख्यात, वो दतिया में नाम रोशन किया उन्होंने पूरी दुनिया में उनकी। तो ऐसे तमाम फोटोग्राफ्स, ऐसे तमाम पांडुलिपियाँ, तमाम यूजेस की चीज़ें बहुत ही मज़ेदार भी है और थ्रिलिंग भी है। अतीत को एक बार एक एक आइटम हमको अतीत में ले जाता है। इस प्रकार के लोक जीवन से संबंधित तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि दतिया के अलग अलग आयु वर्ग के लोग, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए, नौजवानों के लिए भी, स्त्री के लिए भी, पुरुष के लिए भी, किसान के लिए भी, नौजवान के लिए भी, व्यापारी के लिए भी, सबके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम हो, उसमें पार्टिसिपेशन हो। अलग अलग प्रकार का धार्मिक भी है, प्रतिभाओं को सम्मान देने वाला भी है, कला को सम्मान देने वाला है, पूरा पूरा जो पुरानी सामग्री है, पुरातत्व है, उसके गौरव के जितने भी विषय हो सकते हैं सबको सहेज रहे हैं और उसके इर्द-गिर्द कार्यक्रम बोल रहे हैं और गौरव दिवस की जो कार्यक्रम की श्रृंखला उसको बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनी को लेकर सर, जिले के वासियों को जो पुरानी प्रख्यात पुरानी चीज़ें हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक एक आइटम जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अभी जितनी चीज़ें यहाँ आई है वो दतिया में उपलब्ध सामग्रियों का, पूरा सामग्रियों का 1% आया, अभी 99% लोगों के घरों में है। कृपा कर करके आगे जब इस प्रकार का मौका आए तो आप अपने घरों से एक आइटम, दो आइटम, चार आइटम, 10 आइटम, जितने आइटम है ले करके आइए। ये इस प्रकार की जो धरोहर है वो केवल एक परिवार की संपत्ति नहीं है, ये समाज की जिंदगी की बानगी है, सबको देखना चाहिए। तो और भी लोग पार्टिसिपेट करें और इस कार्यक्रम को और भव्य करें। दतिया जैसे नगर में इस प्रकार का कार्यक्रम का होना अपने आप में यूनिक है। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में तो इस प्रकार की चीज़ें होती है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दतिया के लोक जीवन को, जो हमारी परंपरा और संस्कृति का जो जीवन है, इसकी जो समृद्धि है, उसे आज के जो लोग हैं उसको जोड़े। आपाधापी की जिंदगी में अतीत को भूलते जा रहे हैं, उससे इस प्रकार के कार्यक्रमों को ग्रहण करके लोगों को अतीत से जोड़ना, जड़ के साथ उनको जुड़े रहने का संदेश देना चाहते हैं। दतिया से रजनी लटोरिया की रिपोर्ट।